बहुत ज़्यादा टेंशन दे चुका हूँ मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर। हल्का सा भी टेंशन बढ़ाने में डर लग रहा है मुझे। थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं इससे ज़्यादा डैमेज लेंस को रिपेयर होते देखा हूँ यूट्यूब पे। आप कांप रहा है इसके वजह से लग नहीं रहा। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा यूट्यूब करियर खत्म हो चुका है क्योंकि मेरे पास कैमरा ही नहीं है। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त बिंदु और आप देखे मेरा चैनल ज्वाला बिंदु। मैं बेसिकली फिल्म मेकिंग और ब्लॉग ट्यूटोरियल्स के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा जो कैमरा है मेरे हाथ से गिर गया था पैकअप के टाइम पे, जिसकी वजह से मेरा लेंस के आगे का जो थ्रेड है ना ये दब गया था और उसके वजह से इसके ऊपर फिल्टर नहीं लग पा रहा था। ये मेरा जो पीटर मैकिनन वाला जो फिल्टर है ना 225 एस्टर हरियाणी फिल्टर, ये इसके ऊपर लग नहीं रहा था, जिसके वजह से मुझे आउटडोर शूट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो जब मैंने सर्विस सेंटर में गया था तो इसको बनाने में उन्होंने 65,000 का खर्च बताया। तो उसी से बचने के लिए मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि हम घर में भी अपने लेंस के थ्रेड को रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक चाहिए था लेंस रिपेयर टूल्स, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये 6,500 का पड़ा था, नीवर का है, नीवर या नेवर जो भी इसको बोले। और इसके साथ साथ मैंने अमेजन बेसिक का यूवी फिल्टर ऑर्डर किया था। ये सस्ता वाला फिल्टर है, ये बेसिकली लेंस को प्रोटेक्ट करता है, इसका और कुछ काम है नहीं जो आगे से मैं अपने लेंस में यूज करूंगा इस फिल्टर को। तो ये फिल्टर मैं ऑर्डर कर चुका हूँ ताकि मैं चेक भी कर सकूँ, क्योंकि इस फिल्टर से बनने के बाद चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगा, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा लॉस है। तो इसीलिए मैं ये 250 का मुझे पड़ा था ऑर्डर किया हूँ इसको, ताकि इससे मैं चेक कर सकूँ। लेंस के थ्रेड को रिपेयर करने के लिए मुझे बेसिकली चाहिए एक लेंस रिपेयर टूल्स जो ये है, दूसरा चाहिए सीजर। सीजर क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सीजर चाहिए यह कार्डबोर्ड काटने के लिए। लेंस का जो थ्रेड है ना, थ्रेड के साइज का आप कार्डबोर्ड ले लीजिए और उसको पेन से मार्क कर दीजिए इस तरह से रख के, और उसी के साइज से ये काट लीजिए। ये इसलिए क्योंकि जब इसको रिपेयर कीजिएगा तो शीशा के ऊपर डायरेक्ट ये टच होगा आपका जो लेंस रिपेयर टूल्स है, तो आपका जो आगे का ग्लास है वो स्क्रैच लग सकता है ये, और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसी स्क्रैच से बचने के लिए ये कार्डबोर्ड का यूज किया जाता है कि आप इसके साइज का कार्डबोर्ड काट लीजिए और इसके ऊपर ये रख दीजिए और फिर इसके ऊपर आप काम कीजिए, तो आपका जो शीशा है आगे का वो स्क्रैच लेस हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्रैच नहीं लगेगा और आपका लेंस एकदम मक्खन के जैसा फिर आगे भी काम करेगा। उसके पहले मुझे एक और काम करना है कि अपने कैमरा से अपने लेंस को अनमाउंट करना है, मतलब हटाना है, ताकि रिपेयर करने में सुविधा हो सके। ये मैं हटाया सबसे पहले तो इसके ऊपर, अब इसको कैप से इसका ढक्कन लगा देता हूँ। अब मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चलिए अब करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, ये लेंस रिपेयर टूल्स का, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा जैसा मुझे पता है क्योंकि मैं देखा हूँ इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो। ये देखिए कुछ इस तरह से आता है कि यूजर मैनुअल्स होगा, ये वारंटी है और ये लेंस रिपेयर टूल्स है। इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये 67mm के थ्रेड से लेके 105mm के थ्रेड तक को रिपेयर कर सकता है। सबसे पहले तो ये ना आपका जो भी एक्सपेंसिव आइटम है उसको इस पर से हटा लीजिए, क्योंकि रिपेयर करने के टाइम में अगर आपका हाथ वाथ कुछ भी इधर उधर छिटकेगा तो वो हो सकता है कि डैमेज कर जाए कुछ और भी। तो मैं इन सारा चीज़ों को यहाँ पर से हटा लेता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको अपने लेंस के थ्रेड के साइज के अनुसार से अपने लेंस रिपेयर टूल्स के साइज को एडजस्ट करना है, उसके ऊपर फिर इसको बैठाना है और इसमें जो थ्रेड है उस थ्रेड पर रख के इसको धीरे धीरे घुमाना है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा इसको और भी करना है तभी इस पे आपका फिल्टर लगेगा। अभी भी दबा हुआ है और इसका अंदर का जो गुना है ना जिसको थ्रेड कहते हैं वो भी थोड़ा सा पिचका हुआ है, अभी इसको और ठीक करते हैं। कोशिश ये है कि मैं इसका टेंशन को बढ़ा बढ़ा के ना, जो दबा हुआ है इस तरह से वो टेंशन को बढ़ा बढ़ा के इधर फैलाऊं। इसको दो तरीका से कर सकते हैं, एक तो कि आप इसका टेंशन को बढ़ाइए जिसकी वजह से ये डिस्टेंस बढ़ेगा और इसका जो दबा हुआ पार्ट को ये फैलाएगा, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है लेंस रिपेयर टूल्स को अपने लेंस के थ्रेड के साइज के अनुसार से बैठा के और गोल गोल घुमाइए, तो वो मुझे ज्यादा कारगर नहीं लग रहा, मुझे ये टेंशन वाला ही ज्यादा सही लग रहा है कि टेंशन से इसको फैला दो, देखते हैं कितना ज्यादा सक्सेस हो पाता है। हालांकि ये काफी ज्यादा महंगा है ये सारा कुछ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्लो काम करना होगा और हर एक टेंशन के बाद मुझे देखना होगा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस है। ऐसा जगह पे है ना जहाँ पे लॉक होता है आप उस जगह पर, और वहाँ पर का जो लेंस का जो एज है वो मोटा है, तो फैलने में समय लग रहा है। बाकी जगह पे पतला है लेकिन लेंस कैप का जो लॉक है, लॉक वाला जगह पे मोटा होता है। वो स्लो स्लो में कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में बढ़ा रहा हूँ इसका थ्रेड और बढ़ा के कुछ देर छोड़ रहा हूँ ताकि एडजस्ट करे। पूरा 100% तो ये ठीक नहीं होगा, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन हल्का सा भी ठीक हो जाएगा ना, जिसके वजह से मेरे इसके ऊपर इंडी फिल्टर लगने को मजा आ जाएगा यार। फिर तो आउटडोर शूट करने में मतलब मक्खन आएगा फुटेज जैसे पहले आ रहा था। पूरा फिल्म मेरा इसी पे शूट हुआ है, बहुत ज्यादा
ज़्यादा टेंशन दे चुका हूँ मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर, हल्का सा भी टेंशन बढ़ाने में डर लग रहा है मुझे। थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मों का लड़का MBA किया हुआ, मुझे थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। जो भी मैं सीखा हूँ ना ये यूट्यूब वीडियो देख के ही सीखा हूँ, जो लोग मेरे से पहले कर चुके हैं, मेरे से पहले अपना लेंस गिरा के बैठ रहे हैं और उसके बाद फिर खुद से ठीक किए हैं, उन्हीं सारे महानुभाव का वीडियो देख के मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना भी लेंस ठीक करने का। कैसे लेकिन मेरे हाथ से लेंस गिर गया यार, मतलब कहते हैं ना कि खिलाड़ी के हाथ से बैट छूट जाना, उसी तरह एक कंटेंट क्रिएटर के हाथ से कैमरा गिर जाना। इससे पता चलता है कि मैं अभी प्रो लेवल का कैमरामैन नहीं बना, मुझे बनना भी नहीं है, मुझे बेसिकली डायरेक्टर बनना है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि कैमरा मेरे हाथ से गिर जाएगा, बस ये किसी तरह बन जाए, बस अपना काम हो जाएगा। देखो अभी जब टकराया ना इसी की वजह से मैं कैमरा निकाला था इससे, कि कैमरा में फिर वापस किसी तरह का चोट ना आए, कैमरा को कोई परेशानी ना हो, लेंस को ठीक करना पता चला कि कैमरा को कुछ हो गया, इससे बेटर है कि कैमरा को आप निकाल ही देना। थोड़ा सा ना ये केवल स्ट्रेट हो जाए, ये जो अभी तिरछा है ना इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूँ इस लेवल पे, उसके बाद फिर मैं इसको खोल कर चेक करूँगा। स्ट्रेट तो हो चुका है, तो मुझे इसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए वही मैं सोच रहा हूँ। एक बार फिल्टर लगा कर देखते हैं, टेंशन लूज भी बहुत स्लो स्लो करना होगा, किसी तरह का कुछ स्क्रैच ना आए। काफ़ी हद तक यार ये ठीक हो चुका है, काफ़ी हद तक। ये देखो आप यहाँ पर था ये, और ये मोटा की वजह से ना ये परेशान हो रहा था मैं, काफ़ी हद तक ये सही हो चुका है। लेंस के ऊपर कुछ नहीं हुआ है अभी तक माता रानी की कृपा से, अब देखते हैं इसके ऊपर ये लगा के। लग तो गया यार, पर स्मूथ नहीं हो रहा है, स्मूथनेस के लिए एक बार वापस टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा फंसता है उसी को ठीक करूंगा। टेंशन बढ़ा के थोड़ा देर वेट करना है, उसके बाद फिर हल्का टेंशन बढ़ाना है, फिर हल्का वेट करना है, और इसी तरह आप अपना काम करते रहिए, हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, करते रहना है। ये वापस मैं टेंशन बढ़ाया इस उम्मीद से कि थोड़ा सा सुधार होगा, और शायद सुधार हो भी रहा है। इसको जब भी कीजिए इसको फर्श पर रख के ताकि बैलेंस मिल सके। मैं इससे ज्यादा डैमेज लेंस को रिपेयर होते देखा हूँ यूट्यूब पे। मेरा लेंस का थ्रेड तो मतलब बहुत माइनर था, मैं कोशिश करता था तो उसके ऊपर किसी तरह से मैं अपना फिल्टर को लगा ले रहा था, लेकिन इस तरह का मैं थ्रेड देखा हूँ ना कि फिल्टर क्या उसके ऊपर लेंस कैप भी नहीं लग पा रहा था। यूट्यूब पे ऑलरेडी वो वीडियो है, आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा, और वो रिपेयर हो चुका था इस लेंस रिपेयर टूल से। कितना मेजर एक्सीडेंट लेंस का हुआ और वो रिपेयर हो गया है। 100% नहीं कहेंगे, ऑफकोर्स वो आपका एक बार डैमेज हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है तो उसको 100% तो ठीक नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो काम कर रहा है मक्खन के जैसा, उसका फुटेज भी सही आ रहा है, ऑटो फोकस भी सही है, उसके ऊपर फिल्टर भी माउंट हो जा रहा है, सारा कुछ हो जा रहा है। तभी मैं ये कोशिश करना स्टार्ट किया था, उनका हो गया तो फिर मेरा क्यों नहीं होगा। बचपन में ना एक कविता में पढ़ा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वही आज हो रहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं। YouTube के साथ ही मेरा यही कंडीशन, मेरा YouTube पे ना चैनल ग्रोथ इतना अच्छा से नहीं कर रहा जितना आपका प्यार मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं तभी भी कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा अपना काम करते रहेगा, जितना आपका प्यार रहेगा उतना ज्यादा मैं ग्रो करूंगा, उतना अच्छा से अच्छा आपको वीडियो बना के दूंगा, इन्फॉर्मेटिव दूंगा। जैसे आज का है ये 65,000 का काम मैं घर में खुद से कर ले रहा हूँ, ये 6,500 का जो मैं रिपेयर टूल्स मंगाया वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आगे भी काम करेगा। बस एक बार और इसका टेंशन बढ़ाऊंगा और छोड़ दूंगा, तो कुछ देर इसी तरह से रखता हूँ। अब इसका टेंशन को लूज करता हूँ स्लोली स्लोली, महाराष्ट्र में कुंचुम कुंचुम करते हैं। ये हो चुका है भाई, यहाँ पर था, पहचान पा रहे हो, ये दबा हुआ था अंदर की तरफ, इसकी वजह से इसके ऊपर फिल्टर नहीं लग रहा। अभी तो ये सही हो चुका है यार, देखते हैं फिल्टर लगा के ट्राई, मैं अमेजन बेसिक वाला ही फिल्टर से करूंगा। हाथ कांप रहा है इसकी वजह से लग नहीं रहा, तो 3 बार लगा लेंगे ना इसका थ्रेड फ्री हो जाएगा। चलिए माउंट तो हो रहा है, ये काफी अच्छा है, मतलब मैसेज है। अब देखते हैं मेरा फिल्टर में गिरने वाला माउंट होता है कि माउंट तो ये भी हो जाएगा, ये तो और आसानी से हो जाएगा। वाह फाइनली दोस्त मैंने कर लिया, इतना ज्यादा टेंशन हो रहा था मतलब मत पूछो यार। आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैं कांप रहा था, मुझे अभी तक सही से नींद नहीं आ रहा था, सपना में मुझे दिख रहा था कि मेरा कैमरा बर्बाद हो चुका, मैं बर्बाद हो चुका, मेरा यूट्यूब करियर खत्म हो चुका, क्योंकि मेरे पास कैमरा ही नहीं है, मैं मोबाइल से कितना शूट करूंगा यार, मुझे कैमरा चाहिए था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैमरा वापस बना भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रहा है यूट्यूब से, मुझे मतलब घर से मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं कैसे लेंस बनाऊंगा। फाइनली मैं किसी तरह बना लिया हूँ और मेरे इसके ऊपर मेरा एनडी फिल्टर भी माउंट हो रहा है, बहुत आसानी से हो रहा है। आज तो एक छोटा मोटा पार्टी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये मैं डिजर्व करता हूँ एक छोटा मोटा पार्टी, बड़ा पार्टी तो नहीं, बड़ा पार्टी जब करेंगे जो मेरा पहला यूट्यूब पेमेंट आया, छोटा मोटा पार्टी तो आज करूंगा ही करूंगा। ये फाइनली मेरा हो गया, मजा आ गया। आई
होप आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पेशेंस वाला था, धीरज रखने वाला प्रोसेस था, लेकिन अचीवमेंट आपको मिलता है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, 100 बार चढ़ती है चींटी लेकिन वापस गिरती है, लेकिन उसके बाद भी चढ़ती है। वही है, आपको वापस गिरिएगा लेकिन उसके बाद ही आपको कोशिश करते रहना, पूछता झुकेगा नहीं, ऐसा जो है ना कहावत, जो फिल्म का डायलॉग है वही, आपको झुकना नहीं है, आपको काम करते रहना है। और आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में जो लाल बटन है ना सब्सक्रिप्शन का, उसको दबा के काला कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, जय हिंद।